नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। भारी विरोध के बाद झुकी सीएम वसुंधरा राजे, भ्रष्ट नेताओं अफसरों को बचाने वाला विवादित बिल खत्म। नई दिल्ली, आलोचनाओं और विरोध के बाद राजस्थान विधानसभा में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने विवादास्पद दंड विधियां संशोधन विधेयक को सदन की प्रवर समिति से वापस लेने की घोषणा की है। विवादास्पद दंड विधियां संशोधन विधेयक को लेकर विपक्ष सहित कई जन संगठनों ने सरकार पर तीखे प्रहार किए थे। सदन में वसुंधरा राजे द्वारा पेश बजट पर चर्चा का जवाब के दौरान कहा कि जिस विधेयक को हमने प्रवर समिति को भेजा और अध्यादेश की अवधि समाप्त हो गई, फिर भी हम इसे प्रवर समिति से वापस ले रहे हैं। राजस्थान सरकार ने 6 सितंबर 2017 को यह अध्यादेश लाई थी और इसे 23 अक्टूबर 2017 को विधेयक विधानसभा में पेश किया गया। वसुंधरा राजे की सरकार ने विधेयक राज दंड विधियां संशोधन विधेयक 2017 और सीआरपीसी की दंड प्रक्रिया संहिता 2017 पेश किया था। इस विधेयक में राज्य के सेवानिवृत्त एवं सेवारत न्यायाधीशों, मजिस्ट्रेटों और लोक सेवकों के खिलाफ ड्यूटी के दौरान किसी कार्रवाई को लेकर सरकार की पूर्व अनुमति के बिना उन्हें जांच से संरक्षण देने की बात की गई है। यह विधेयक बिना अनुमति के ऐसे मामलों की मीडिया रिपोर्टिंग पर भी रोक लगाता है। विधेयक के अनुसार मीडिया अगर सरकार की ओर से जांच के आदेश देने से पहले इनमें से किसी के नामों को प्रकाशित करता है तो उसके लिए 2 साल की सजा का प्रावधान है। जज, मजिस्ट्रेट और लोक सेवक के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए सरकार से अभियोजन स्वीकृति लेना जरूरी था। 180 दिन में सरकार या तो अभियोजन स्वीकृति देगी या यह बताएगी कि मामला दर्ज होने योग्य है या नहीं। कोर्ट भी इस्तगासे और प्रसंज्ञान से अनुसंधान का आदेश नहीं दे सकता था। पूर्व में गजेटेड अफसर को लोक सेवक माना जाता था, लेकिन सरकार ने संशोधित बिल में इस दायरे को बढ़ा दिया था। भारी विरोध के चलते 120 दिनों के भीतर इस विधेयक को सरकार ने वापस ले लिया है। विपक्षी पार्टियां इस बिल को काला कानून बता रहे थे। दोस्तों, हमारी हर न्यूज को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।